हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष महत्वपूर्ण सेशन में, 11 AM के सेशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के MCQs, विशेषकर MPPSC प्री के ओरिएंटेशन से यूनिट नंबर 5 जो टॉपिक है। इसके अलावा MPSI, MP पुलिस सभी एग्जाम्स की तैयारी, मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा, फायदेमंद होगा। सभी का स्वागत है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अनअकैडमी के कोर्सेस और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से अवगत करा देता हूँ। आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी के इस पर्टिकुलर टेलीग्राम यूट्यूब के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसका टेलीग्राम चैनल भी है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के नाम से, तो जरूर उसको ज्वाइन करें, उससे जुड़ जाएं और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, क्योंकि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से के माध्यम से एक बेहतर दिशा में अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, घर बैठे कहीं भी हों आप, दिन में रात में कभी भी। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप कहाँ से प्राप्त करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से, जिस प्रकार से दूसरी ऐप अपनी डाउनलोड करते हैं उसी प्रकार इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन करें। और फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट कर लें, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कॉमन गोल होगा MPPSC एंड व्यापम सेलेक्ट कर लें। इसके बाद किसी भी एजुकेटर की फ्री क्लासेस इस कोड का इस्तेमाल करके अनलॉक कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा PANDEY, पांडे कोड टाइप करेंगे अनलॉक हो जाएगी क्लासेस। इसके अलावा मेरी जो फ्री क्लासेस हैं वो भी आपको प्लस क्लासेस और फ्री क्लासेस दोनों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, फॉलो कर लें जिससे लाइव क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, इसके मध्य प्रदेश MPGK और मध्य प्रदेश का इतिहास, ये आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगे, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। और इसके साथ साथ आज आपको दो क्लासेस महत्वपूर्ण फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं, शाम को 5 बजे से कंप्लीट MPGK के 100 questions MCQ सेशन, और रात में 8:30 बजे से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री सेशन प्री की FLT 100 questions। तो ध्यान रखिएगा नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल, और कोड याद रखिएगा PANDEY, पांडे कोड से आप अनलॉक कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि आप एक संपूर्ण तैयारी बेहतर दिशा में करना चाहते हैं तो वो है अनअकैडमी का प्लस, जो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होता है, और सब्सक्रिप्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही किफायती, बहुत ही फायदेमंद, किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इससे आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हर हफ्ते एक नया बैच लॉन्च होता है, चाहे MPSI का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, फॉरेस्ट सर्विस का हो, MPPSC प्री मेंस, आंसर राइटिंग, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, करंट अफेयर्स के मैगजीन, PDF नोट, सब कुछ मात्र आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होगा। डेडिकेटेड डाउट सेशन हर 2 क्लास के बाद अनिवार्य रूप से डेडिकेटेड डाउट सेशन, नए बैच हर हफ्ते हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में लॉन्च होते हैं, किसी भी बैच को या सभी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सब्सक्रिप्शन है इन सभी बैचेस का, किसी भी बैच को या सभी बैच को ज्वाइन करें, एक साथ मल्टीपल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट कई बार भी पढ़ सकते हैं। मल्टीपल बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 23 मार्च से एक नया बैच हिंदी मीडियम का, 25 मार्च से इंग्लिश मीडियम का, 26 मार्च से MPSI का, अगेन 30 मार्च से MPPSC प्री प्लेस प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस सेशन, क्विजेज, सब कुछ मात्र आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। ये सब्सक्रिप्शन कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर गोल से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे MPPSC एंड व्यापम। इसके बाद इस पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन का विकल्प मिलेगा, किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। MPPSC एंड व्यापम का कॉमन सब्सक्रिप्शन है, कोड याद रखिएगा PANDEY, ये इस कोड से फ्री क्लासेस भी अनलॉक कर पाएंगे, और इसे 10% का आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर पाएंगे, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स का डिस्काउंट जो है 8800 चार्जेज है, इसे 10% का अप्लाई करने के बाद टाइप करेंगे पांडे कोड और अप्लाई करेंगे तो आपको 10% के डिस्काउंट के साथ 7920 रुपए मात्र पे करने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से घर बैठे पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्वागत है। सबसे पहले तो बता दूं कि आज का सेशन जो शेड्यूल है हमारा 20 मार्च है आज, और आज का जो शेड्यूल है वो अभी 11 बजे के बाद जो है आपको 12:30 बजे भी मिलेगा, स्टैटिक GK सभी परीक्षाओं के लिए MCQ, और 2 PM से संपूर्ण मध्य प्रदेश का भूगोल। और इसके अलावा लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस शाम को 5 बजे से संपूर्ण MPGK 100 question के MCQ, जहां पर रैंक भी आपको प्राप्त होगी, पोल भी मिलेगा, और MPPSC प्री की FLT 100 questions भी आपको मिलेंगे 8:30 बजे से
सभी क्लासेस भी दिए, दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इवन सभी क्लासेस आज के लिए बिल्कुल फ्री हैं, जरूर ज्वाइन करेंगे नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, और इस कोड का इस्तेमाल करके आप सारी क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं, पांडे कोड याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्वागत है सभी का, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने, अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग भावना, स्वाति, आशुतोष, रोहित पांडे, पिंकी पाल, नमस्ते, नमस्कार, राम दीक्षित, अतीश थापा, कंचन पांडे, रोहित पांडे, बिल्कुल सही, चलिए गुड। 15% 230 × 15/100 जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर चुनाव 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुए थे। आप सभी को पता है उपचुनाव हुए थे 28 सीटों पर। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। गुड मॉर्निंग नर्मदेहर, मध्य प्रदेश विधानसभा 28 सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुए। इन चुनावों भारत चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चलो गुड, इसका आंसर जो होगा इसका आंसर है ए, 9 सीटें। 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 28 सीटों पर चुनाव हुए थे, और 9 सीटें किसने जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी। ये कब चुनाव हुए थे, 3 नवंबर को उपचुनाव हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता कौन बना था, हु बिकम द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता कौन बना था, ए एन श्री एन सी नहलानी, या बी है श्री वाई एस धर्माधिकारी, या डी सी है श्री एम धर्माधिकारी, या डी है एम वी तामस्कर। चलो बहुत सही, गुड, इसका आंसर होगा श्री एम धर्माधिकारी, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा एम धर्माधिकारी, मध्य प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल थे, बिल्कुल सही है आंसर होगा इसका क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के बजट 2020-21 की विशेषता है। मध्य प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, अभी हाल ही में प्रस्तुत हुआ है, आप सभी को पता है, इसमें से बताना है आपको इसमें से कौन इसके बजट की विशेषता है। जल्दी से काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, जो बजट प्रस्तुत हुआ है 2021-22 का भी हाल ही में, ये तीनों विशेषताएं हैं, दैट मींस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जनता का बजट और डिजिटल बजट, पहली बार डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया है। तो आंसर जो होगा इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। इस प्रकार के ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर जो है डी ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबल इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर कॉटन क्लॉथ मिल। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
ए उत्तरी, बी पश्चिमी, सी दक्षिणी या डी पूर्वी। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सही, इंदौर उज्जैन वाला जो बेल्ट है पश्चिमी भाग, ये किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन क्लॉथ मिल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा यहां पर मिल्स जो है कॉटन क्लॉथ की पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कृषि मंत्रिमंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। मध्य प्रदेश कृषि कैबिनेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ, किया गया है भी कह सकते हैं, कृषि कैबिनेट का गठन, कृषि कैबिनेट का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया जाता है या किसे किया गया था या किसे किया गया है। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री या मुख्य सचिव या इनमें से कोई नहीं। उमेश तिवारी जी, अनअकैडमी की क्लास का टाइमिंग 5 PM पर 5 बजे से और 8:30 PM पर, 5 बजे से एमपी जीके का एमसीक्यू और 8:30 बजे से एमपीपीएससी प्री की FLT। नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है और कोड है अनलॉक कोड प्री क्लास का PANDEY पांडे। चलिए इसका आंसर जो होगा, आई एम लेट, नो प्रॉब्लम सपना विश्वकर्मा जी, हेलो प्रिया सिंह, हेलो हेलो। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा ए मुख्यमंत्री। कृषि कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजभवन किसके द्वारा बनवाया गया था। राजभवन नहीं है ये, राजभवन है, राजभवन जल्दी से बताना है आपको। मध्य प्रदेश का जो राजभवन है इनमें से किसके द्वारा बनवाया गया था। कैरोन दुबे जी, जी बिल्कुल, अभी 11 बजे से। हेलो धर्मेंद्र रचक जी, हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सही, बेगम शाहजहां के द्वारा मध्य प्रदेश का राजभवन। राजभवन क्या है, राजभवन जहां पर मध्य प्रदेश का राज्यपाल का जो निवास स्थल है उसी को राजभवन कहा जाता है। और ये कहां पर अवस्थित है, भोपाल में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, भोपाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू वर्मा जी गुड मॉर्निंग, मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया था। नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया मध्य प्रदेश में, जल्दी वैसे बताएंगे। उमेश तिवारी जी, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर गोल आपने सेलेक्ट किया है एमपीपीएससी एंड व्यापम। गोल सेलेक्ट करने के बाद जो सर्च बॉक्स है वहां पर ये स्पेलिंग डालेंगे, नीरज पांडे, NEERAJPANDEY पांडे डालेंगे तो आपको सर्च बॉक्स में मेरी प्रोफाइल पिक भी दिख जाएगी और वहां से आप जो है फॉलो कर सकते हैं। गोल सेलेक्ट करने के बाद एमपीपीएससी एंड व्यापम। इसका आंसर जो होगा, नहीं नहीं नहीं, काफी लोगों ने गलत कर दिया। किसी ने सही आंसर दिया क्या इसका, नहीं किसी ने सही आंसर दिया नहीं। एक्चुअल में कंफ्यूजन आप लोगों को कहां पर है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन में जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, मैं बता देता हूं, मध्य प्रदेश म्यूनिसिपालिटीज एक्ट, म्यूनिसिपालिटीज का मतलब होता है नगर पालिका, जो म्यूनिसिपालिटीज एक्ट है वो 1961 का है। लेकिन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट मीन्स नगर निगम अधिनियम, वो 1956 का है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो कब का है, वो 1956 का है। तो आंसर जो होगा म्यूनिसिपालिटी एक्ट 1961 होगा इसका आंसर, 8th क्वेश्चन का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे पहले किस मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। No confidence motion was brought for the first time against which chief minister of Madhya Pradesh? Madhya Pradesh में सबसे पहले किस मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
नहीं, इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका बी, कैलाश नाथ काटजू, आंसर होगा इसका बी, आंसर होगा इसका बी, कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is not the pillar out of four pillar of आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चार स्तंभों में से स्तंभ नहीं है? अभी बजट में भी इसकी घोषणा हुई है, साथ ही साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो गोल है, जो एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, उसमें से चार स्तंभ हैं और चार स्तंभ में से एक स्तंभ इसमें से नहीं है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहां पर भौतिक संरचना है, सॉरी शारीरिक नहीं, भौतिक संरचना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बी शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सी है अर्थशास्त्र और या अर्थव्यवस्था और रोजगार, और डी कृषि। जल्दी से बताएंगे? नहीं, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा डी होगा, इसकी जगह पर सुशासन है, इसकी जगह पर सुशासन है। चार पिलर हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, 2023 तक का टारगेट रखा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। भौतिक संरचना पहला, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा अर्थव्यवस्था और रोजगार, और चौथा है सुशासन, और चौथा है सुशासन। दैट मीन्स इसका आंसर जो होगा डी होगा, ये पिलर नहीं है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, राज्य आर्थिक अपराध अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन कब हुआ था? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में इसका जो आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, ये दोनों में से आप देख सकते हैं। वैसे तो एक पर्टिकुलर विंग का गठन जो किया गया था वो 1976 में किया गया था, इसका आंसर वैसे ए ही होगा, ए ही होगा इसका आंसर। लेकिन इसका जो नामकरण किया गया है, जो नामकरण किया गया, दैट मीन्स स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेज, वो 1985 में किया गया था। तो 1976 में इस पर्टिकुलर विभाग का, या कह सकते हैं इस पर्टिकुलर कार्यालय का गठन किया गया, तो आंसर जो होगा इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे? शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, इसका जो आंसर होगा, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, आपका आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके संशोधन के लिए भी हाल ही में अध्यादेश लाया गया था? कब पारित हुआ, जिसके संशोधन के लिए हाल ही में अध्यादेश लाया गया था? When was the Madhya Pradesh Agricultural Produce Market Act was passed, for which ordinance was brought to amend it? अभी हाल ही में इस पे अमेंडमेंट के लिए एक अध्यादेश लाया गया था, और ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, चर्चा में भी है, अभी कृषि से संबंधित मुद्दों से संबंधित भी है। कृषि उपज मंडी अधिनियम, आंसर होगा इसका बी, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बी, 1972। अभी हाल ही में 2020 में इसमें संशोधन की भी बात की गई थी, अध्यादेश लाया गया था, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में किस किस तिथि को जन भागीदारी के लिए किस तिथि को जन भागीदारी को और सशक्त बनाने के लिए ग्राम स्वराज की स्थापना की गई? On which of the following date in Madhya Pradesh Gram Swaraj was established to further strengthen public participation? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, ग्राम स्वराज ये जो नाम चेंज होकर के लागू हुआ ग्राम स्वराज की स्थापना करने के लिए 26 जनवरी 2001 को, कब? 26 जनवरी 2001 को। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभवन का भवन शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? राजभवन, बाय विच नेम द बिल्डिंग ऑफ राजभवन वाज नोन इनिशियली? राजभवन का जो भवन है शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल सही, इसको किस नाम से जाना जाता था? लाल कोठी के नाम से जाना जाता था, जिसको शाहजहां बेगम ने बनवाया था। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थल है, जिसे राजभवन कहा जाता है, जो कि भोपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने एक ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो ग्लोबल स्किल पार्क है ये कहां पर अविस्थापित होने जा रहा है? किसने समझौता किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने, यह भी ध्यान रखना है। और भारत सरकार के बीच मध्य प्रदेश में एक ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, तो ये आपको बताना है ये कहां पर स्थापित होने जा रहा है। ग्लोबल स्किल पार्क, तो स्किल यूनिवर्सिटी की बात नहीं की जा रही है, स्किल पार्क की बात होने जा रही है। ग्लोबल स्किल पार्क, वन ऑफ इट्स फर्स्ट ऑफ काइंड पार्क होगा ये, और ये आंसर होगा इसका ए भोपाल। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? When was the Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission set up? पहली बार सुना है, चलो कोई नहीं सपना जी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो नई मिल जाती हैं। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस हिस्से को 1956 में पूर्णतः मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया? विच पार्ट कंप्लीटली मर्ज इन 1956 इंटू मध्य प्रदेश? इनमें से किस हिस्से को 1956 में, 1 नवंबर 1956 में पूर्णतः वर्तमान जैसा मध्य प्रदेश, हेलो चलिए सॉरी फॉर द डिस्टरप्शन, चलिए हमको लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी क्लियर है आई थिंक सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रिफ्रेश कर लेंगे, जिस पे क्लियर नहीं हो तो आप लोग प्लीज रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, यदि क्लियर नहीं हो तो रिफ्रेश कर लेंगे आप लोग। स्वागत है सभी का। चलिए इसका आंसर जो है आप लोगों ने दिया है, आंसर जो होगा इसका सी। देखिए, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट पूरी तरह से मर्ज हो गए थे मध्य प्रदेश में, सीपी बरार के कुछ भाग जो है वो महाराष्ट्र में चला गया, और मध्य भारत का कुछ भाग जो है राजस्थान का मध्य प्रदेश में आया, और सुनील टप्पा तहसील, जैसे सिरोज जो है मध्य प्रदेश में आ गई और सुनील टप्पा कहाँ चला गया? राजस्थान। तो ये इसका पूरी तरह से जो भाग आया मध्य प्रदेश में वो विंध्य प्रदेश और भोपाल का भाग आया, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का निगम कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो कहां पर अवस्थित है? वेयर द मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज सिचुएटेड? मध्य प्रदेश वित्त निगम कहां अवस्थित है?
चलिए गुड, इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका डी, मध्य प्रदेश वित्त निगम कहां पर अवस्थित है, इंदौर में अवस्थित है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 के तहत विधेयक को राज्यपाल ने कब स्वीकृति दी थी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ था आपके उसके बाद, दैट मीन्स की जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1992, उसके बाद जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था 1993 में, उस पर राज्यपाल ने अपने दस्तखत कब किए थे। बिल्कुल राम दीक्षित जी, इसका जो आंसर होगा, आंसर है इसका 20th क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 24 जनवरी 1994। काफी लोगों ने सही आंसर दिया डी, 24 जनवरी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस हिस्से में भारत में विलय के लिए विलीनीकरण आंदोलन चलाया गया था। विलीनीकरण आंदोलन भारत के किस हिस्से में, मध्य प्रदेश के किस हिस्से में चलाया गया था कि उसको भारत में शामिल कर लिया जाए। विलीनीकरण आंदोलन वाज ऑर्गेनाइज्ड टू मर्ज इन इंडिया। बिल्कुल सही है, विलीनीकरण आंदोलन कहां चला था, भोपाल राज्य में। इसको भारत में मर्ज करने के लिए यहां पर विलीनीकरण आंदोलन चलाया गया था, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महिला दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए मध्य प्रदेश का गृह मंत्री अभी हाल ही में बनाया गया था। विच एमंग द फॉलोइंग वाज मेड होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर वन डे ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे। बिल्कुल प्रियंका तिवारी जी, गुड गुड, आंसर होगा इसका मीनाक्षी है, ये मीनाक्षी लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है, मीनाक्षी, आंसर होगा इसका बी, मीनाक्षी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। हाउ मेनी वार्ड्स कैन बी देयर, कैन बी इन ग्राम पंचायत, अधिकतम कितने हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए, 10 से 20 वार्ड, 10 से 20, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल का भारत में विलय के समय नवाब कौन था। भोपाल का भारत में विलय के समय, जब भोपाल का विलय हुआ भारत में, तो उस समय भोपाल का नवाब कौन था। हु वाज द नवाब ऑफ भोपाल ड्यूरिंग द इट्स मर्जन इनटू इंडिया। भोपाल का जब भारत में विलय हुआ उस समय भोपाल का नवाब कौन था। नहीं, आंसर होगा इसका डी, बी हमीदुल्ला खां, आंसर होगा इसका बी, हमीदुल्ला खां होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। उत्पादन में, दैट मीन्स प्रोडक्शन में, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। चलो गुड, आंसर होगा इसका ए, बिल्कुल सही आंसर होगा ए, चौथा स्थान है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट कहां अवस्थित है। नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट इज सिचुएटेड इन, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट कहां अवस्थित है।
बिल्कुल सही आंसर होगा इसका डी, विजयनगर गुना, विजयनगर में नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट अवस्थित है, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायतों का चुनाव कब आयोजित किया गया था? When was the first पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन मध्य प्रदेश? बिल्कुल राम दीक्षित जी, इटली और अमेरिका के हेल्प से, सहयोग से लगाया गया था। मध्य प्रदेश में पंचायतों का, पंचायती राज अधिनियम पहले मध्य प्रदेश में पारित हुआ था। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका ए, जो पहले मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था वो 1962 में हुआ था, तो इसके अनुसार से मीन्स तब संविधान में संशोधन नहीं स्टार्ट हुआ था, तो इसके अनुसार आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति कब जारी की गई थी? When the मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी वाज इशूड, When the मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी वाज इशूड, मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति कब जारी की गई थी? नहीं, हाँ, रुचिता वर्मा ने सही आंसर दिया है, राम दीक्षित ने भी सही आंसर दिया है, मंजू वर्मा ने भी सही, सपना विश्वकर्मा ने भी सही आंसर दिया। इसका जो आंसर होगा, आंसर हिमांशी सिंह परियार ने भी सही आंसर दिया, आंसर होगा इसका बी, 2016 में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप नीति, इंक्यूबेशन नीति है, पॉलिसी है प्रमुख रूप से, ये आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज, द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अभी ध्यान रखिएगा, 2 PM से, 2 PM से मध्य प्रदेश की भूगोल, मध्य प्रदेश की भूगोल के भी MCQ है इसी YouTube के चैनल पर, 2 PM से मध्य प्रदेश का भूगोल और 12:30 बजे से स्टेटिक GK का क्वेश्चन है, स्टेटिक GK के MCQ सेशन रहेंगे। चलो गुड, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा विधानसभा के उपाध्यक्ष, नहीं आंसर होगा इसका, उपाध्यक्ष पूछा गया है, विपक्ष के नेता नहीं पूछा गया है, आंसर होगा इसका बी, विष्णु विनायक सर्वटे, विष्णु विनायक सर्वटे, उपाध्यक्ष पूछा गया है, प्रतिपक्ष के नेता नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राकलन समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर आर देयर इन द एस्टिमेट कमेटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राकलन समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? How many members including the speaker are there in estimates committee of the state legislative assembly of Madhya Pradesh? Madhya Pradesh Vidhan Sabha ki prakalan samiti mein adhyaksh sahit kul kitne sadasya hote hain? Bilkul sahi answer hoga iska A, 30 sadasya hote hain। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भिलावा उत्पाद से संबंधित कारखाना कहां पर अवस्थित है? वेयर इज द फैक्ट्री रिलेटेड टू भिलावा प्रोडक्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में भिलावा प्रोडक्ट से संबंधित कारखाना कहां पर अवस्थित है? करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जाते हैं, सिल पर होत निशान, सपना विश्वकर्मा जी, चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है, अभ्यास करने से बहुत सारी चीजें जो है हमारी वो दिमाग में बैठ जाती हैं, और इतनी बार हम अभ्यास कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को, कि कभी नहीं भूलता है। इसका आंसर जो होगा डी होगा, इसका आंसर जो होगा डी होगा, भिलावा उत्पाद का कारखाना कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? When was the पंचायती राज एक्ट फर्स्ट मेड इन मध्य प्रदेश?
आई थिंक कि यहां पर ये 92 है, ये 92 है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था पहली बार? बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका आंसर होगा डी 1962 में। लेकिन जब मध्य 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, संविधान में संशोधन होने के बाद, तब फिर 1993 में पारित किया गया था उसके बाद, संविधान में संशोधन के बाद। लेकिन पहली बार जो है अभी मैंने बताया, इसका आंसर होगा डी 1962। बिल्कुल रोहित पांडे जी, अभी मैंने बताया जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख थे, हु आर द हेड ऑफ स्टेट ऑफ विंध्य प्रदेश? विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? गुड, इसका आंसर जो होगा, विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह, आंसर होगा ए, राज प्रमुख पूछा है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री पूछता तब आप फिर लगाते अवधेश प्रताप सिंह, आंसर होगा इसका ए, राज प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट पूछा गया है, मुख्यमंत्री फिर आप लगाते क्या, अवधेश प्रताप सिंह। दामिनी मिश्रा हेलो नमस्कार। वेंदा, मध्य प्रदेश फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड? मध्य प्रदेश राजकोषी उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 2019 में, 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश राजकोषी उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका जो आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका सी 2005 में, सी 2005 में आंसर होगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत का, इंडिया का जो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ है वो 2003 का है, भारत का 2003 का है, मध्य प्रदेश का 2005 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के भवन को किसके द्वारा बनवाया गया था? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के भवन को किसके द्वारा बनवाया गया था? बाय हुम द बिल्डिंग ऑफ हाई कोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड? सब लोगों ने गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल शिल्पी वर्मा ने सही आंसर दिया है। इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दीज, राजा गोकुलदास के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा गोकुलदास, सॉरी, किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा गोकुलदास के द्वारा बनवाया गया था, राजा गोकुलदास के द्वारा, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बिल्कुल सपना विश्वकर्मा जी, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, या इज भी कर सकते हैं, गठित होता है ये हर 5 साल में। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? चलिए, इसका आंसर जो होगा, राज्य वित्त आयोग पूछा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं पूछा गया है, आप लोगों ने जल्दबाजी में गड़बड़ी कर दी। राज्य वित्त आयोग, काफी लोगों ने, पायल शर्मा ने सही आंसर दिया है, पायल शर्मा ने सही आंसर दिया है, प्रियंका तिवारी ने भी सही आंसर दिया। इसका आंसर जो होगा, आंसर जो होगा 243 आई में राज्य वित्त आयोग है और 243K में राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम दीक्षित ने सही आंसर दिया है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी वाज इशूड, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति कब जारी की गई थी, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जो है कब जारी की गई थी, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति। When the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy was issued, चलो गुड, इसका आंसर जो होगा ए 2014 में, 2014 में मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति जो है जारी की गई थी, समय समय पर परिवर्तन भी हुआ, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंखनाद योजना कब शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में, व्हेन द शंखनाद स्कीम वाज स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना कब शुरू की गई थी। आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका सी 1997 में। शंखनाद योजना कब शुरू की गई थी, 1997 में, आंसर होगा इसका सी 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द ग्वालियर, ग्वालियर एंड इंदौर बेंच एस्टेब्लिश्ड अंडर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, किसी ने सही आंसर दिया क्या, प्रियंका तिवारी ने सही आंसर दिया है, गुड। राम दीक्षित ने भी सही आंसर दिया, आंसर होगा इसका डी 1968। हालांकि 1956 में ही बना दी गई थी बेंचेज, लेकिन स्थायी किया गया कब, स्थायी परमानेंट बेंच के रूप में इन्हें 1968 में किया गया है, तो आंसर जो होगा, आंसर जो होगा इसका डी होगा 1968। विशाल चौहान जी थैंक यू सो मच, स्वागत रहेगा आपका, मोस्ट वेलकम रहेंगे हर क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना, इसको कर लीजिए अंत्योदय उपचार योजना, कब शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। दोस्तों आज ध्यान रखिएगा, अनएकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी आज दो क्लासेस बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, 5 PM से कंप्लीट MP GK का टेस्ट होगा, 100 questions का, वहां पर पोल भी रहेगा, आपकी रैंक भी बनेगी, तो जरूर ज्वाइन करेंगे, नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, इस कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लास अनलॉक कर लेंगे, और रात में 8:30 बजे से MPPSC प्री का MCQ सेशन FLT भी होगी, तो जरूर ज्वाइन करेंगे। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 September 2004, सी होगा आंसर, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, आंसर होगा इसका सी 25 September 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले निर्विरोध चुने जाने वाले अध्यक्ष कौन थे, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, शिल्पी वर्मा जी आप लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स के टेलीग्राम के चैनल पर हैं क्या, क्योंकि वहीं पर सारी ये जो है क्लासेस की लिंक PDF सब कुछ वहीं शेयर की जाती हैं। चलो लेट्स सी, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले निर्विरोध चुने जाने वाले अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से आंसर देंगे, इसका आंसर जो होगा, मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो वही आपके जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले निर्विरोध चुने जाने वाले भी अध्यक्ष थे, आंसर होगा इसका बी कुंजीलाल दुबे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 हेतु चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? What was the spending limit for the candidates in the elections for the Madhya Pradesh Legislative Assembly elections 2018? 2018 में जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, 15वीं विधानसभा के चुनाव में, उसमें विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए जो अधिकतम राशि खर्च कर सकते थे उसकी सीमा कितनी थी? बिल्कुल सही आंसर जो होगा इसका सी 28 लाख रुपए, आंसर होगा इसका सी 28 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू महिलाओं पर हिंसा को रोकने के लिए से संबंधित योजना कौन सी है? स्कीम रिलेटेड टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू महिलाओं पर हिंसा को रोकने के से संबंधित योजना जो डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, उसके बाद ही ये योजना लॉन्च हुई थी। आंसर जो होगा इसका सी, बिल्कुल सही, उषा किरण योजना, आंसर होगा इसका सी उषा किरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन था? शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन था? Who preceded the Chief Minister of Madhya Pradesh prior to शिवराज सिंह चौहान? एग्जैक्ट डेट प्रियंका तिवारी जी, आई थिंक 2006 या 2007 है, 2006 या 2007, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को उसके बाद ही बनाई गई थी ये। शिवराज सिंह चौहान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं, सब लोगों ने गड़बड़ी कर दी। इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा बी बाबूलाल गौर, उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान। ये तो आपने अभी हाल ही का बता दिया, आंसर जो होगा इसका बी होगा। आंसर जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ज्यादातर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इन्हीं के बाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? हुआ द लीडर ऑफ द फर्स्ट ऑपोजिशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे विधानसभा के? चलिए प्रियंका तिवारी जी, मैं समझ सकता हूँ, एग्जैक्ट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा, मुझे आई हैव टू रिकॉल 2006 या 2007 एग्जैक्टली वही है, बट 2006 और 2007 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, अच्छी बात है आप लिख रहे हैं इसको। आंसर जो होगा इसका, आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ तामस्कर। इसका आंसर जो होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था? When did the first session of Legislative Assembly of Madhya Pradesh held? मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था? हिमांशी सिंह परिहार, विनय पांडे ने सही आंसर दिया, प्रियंका तिवारी ने भी सही आंसर दिया है, गुड। इसका आंसर होगा 17 दिसंबर 1956 से लेकर के 17 जनवरी 1957 तक। एक चीज मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को ही हुआ। यदि आपसे गठन पूछे तो आप 1 नवंबर 1956 ही लगाएंगे, लेकिन यदि सत्र पूछे कि पहला सत्र मध्य प्रदेश विधानसभा का कब शुरू हुआ तो आंसर आप लगाएंगे 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 एक ही सत्र हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहली विधानसभा का इसके बाद स्थगित कर दी, सॉरी
विघटित कर दी गई थी, विधानसभा डिजॉल्व कर दी गई थी और उसके बाद नई विधानसभा, दूसरी विधानसभा का जो है चुनाव हुए थे। तो आंसर जो होगा इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वाज, गुड मॉर्निंग विनय पांडे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कोई बात नहीं, जो लाइव नहीं देख पाते नहीं कर पाते हैं वो बाद में भी शेड्यूल क्लास को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास। इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? शेड्यूल कास्ट के लिए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के लिए? चलिए बिल्कुल संदीप लोधी जी, आंसर जो होगा इसका ए, बिल्कुल सही। एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47, इस प्रकार से टोटल 82 सीटें जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं था? हु आज नॉट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा कभी? चलो गुड, बिल्कुल सही। इसका आंसर जो होगा गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था। इसका आंसर जो होगा बी, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर भाई महावीर, केसी रेड्डी और केएम चांडी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आंसर जो होगा इसका जो है बी होगा और ये बाकी का शेड्यूल अभी आधे घंटे बाद पुनः हम लोग मिलेंगे 12:30 पुनः मिलेंगे। संपूर्ण जीके सभी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू स्टैटिक जीके सभी लोग अटेंड करेंगे और दो बजे से संपूर्ण मध्य प्रदेश का भूगोल एमसीक्यू, मध्य प्रदेश का भूगोल इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर आज ही, और इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास, दोनों फ्री क्लासेस अटेंड करना नहीं भूलेंगे क्योंकि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आपको पोल भी मिलेगा और पोल के साथ साथ आपकी रैंक भी प्रदर्शित होगी, आपका परफॉर्मेंस भी प्रदर्शित होगा। ज्वाइन कैसे करेंगे? शाम को 5 बजे से कंप्लीट एमपी जीके के एमसीक्यू 100 क्वेश्चन का और रात में 8:30 बजे से एफएलटी एमपीपीएससी की प्री की एफएलटी। तो ज्वाइन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है, अभी कर लेंगे, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएंगी, सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में, उसके बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे, गोल अपना सेलेक्ट कर लेंगे एमपीपीएससी एंड व्यापम, स्टेट पीएससी का ऑप्शन आएगा वहां पर एमपीपीएससी एंड व्यापम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमन है एमपीपीएससी एंड व्यापम। इसके बाद एक आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, वहां पर सर्च करेंगे नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी और फॉलो कर लेंगे, और फॉलो करने के साथ साथ आपको बता दूं रिकॉर्डेड क्लास भी जितनी है मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके, लेकिन आपसे कोड मांगेगा अनलॉक कोड, तो आप डालेंगे क्या PANDEY, पांडे कोड से अनलॉक करेंगे, ठीक है ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे जो प्लस कोर्सेज हैं, जो प्लस के सब्सक्राइबर हैं, वो प्लस कोर्सेज भी मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएंगी, और जिन्होंने प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए एक बेहतर विकल्प किसी भी बैच को ज्वाइन करें, मल्टीपल बैच हर हफ्ते MPSI, MP कांस्टेबल, MP पुलिस, MPPSC प्री मेंस, आंसर राइटिंग, इंग्लिश मीडियम, PDF नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, सब कुछ आपको मात्र एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्राप्त होगा। किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लें, ये कोड जरूर टाइप करें
प्रोसीड टू पे के पहले ये टाइप कर देंगे और जैसे ही टाइप करेंगे आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करते ही आपको 10% के डिस्काउंट के साथ अमाउंट शो होने लगेगा। 12 मंथ्स के लिए मात्र 7,920 रुपए आपको पे करना होगा। किसी भी ड्यूरेशन का हालांकि सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग चार्जेज हैं। इसमें सभी एजुकेटर सभी क्लासेस एमपीपीएससी व्यापम सेक्शन की आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी हम लोग आधे घंटे बाद 12:30 बजे 12:30 PM पर पुनः हम लोग जो है मिलते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।